हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मेरा प्रयागराज का पहला दिन है, तो मैं रेलवे स्टेशन के पास देखा तो पहले जो मेरा डेस्टिनेशन था, पहले मैं सोचा था खुसरूबाग घूम लूँ। यहाँ से 350 मीटर दूर पे ही है, तो चलो पहले ये प्लेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अदर प्लेस देखते हैं। चलो गाइस, हम खुसरूबाग तो आ गए। इस खुसरूबाग को खुसरूबाग इसलिए कहा जाता है कि ये प्रिंस खुसरू के नाम पर रखा गया था, जो जहांगीर के बेटे थे और सुल्तान बेगम के। और अभी तो देखते हैं अंदर क्या है, पर अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ का इस तरह का है, ये तीनों मकबरे हैं, और मकबरे पहला मकबरा जो है ये साहब बेगम का है। ये देखिए इसके बारे में आपको पूरा दिखा रखा है। और ये तीन मकबरे हैं और एक साइड में फोर्ट है, ये क्या है इसको बाद में बताता हूँ मैं। पहले इस वाले मकबरे को देखिए, ये पहला साग बेगम का। अभी तो एंट्री है नहीं ऊपर, और ऊपर देखिए अभी तो नॉर्मल सभी बंदे यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग के लिए आते हैं, और ऊपर जाना क्लोज हो रखा है। चलिए दूसरे मकबरे के चलते हैं। ये देखिए सभी अभी यहाँ पर एक्सरसाइज खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। जैसे साहब जो मेन में एरिया होता है, तो यहाँ पर अब खेलने के लिए यूज होता है, वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये सेकंड जो देख रहे हैं मकबरा, ये है निसार बेगम का, जो प्रिंस खुसरो की बहन थी, उनकी याद में बनाया गया था। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए निसार बेगम के बारे में लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए साहब बेगम के पास में ही निसार बेगम का मकबरा है। अभी तो उसका गेट क्लोज है, पहले शायद ओपन होता होगा। ये मुग़ल में एक ख़ास बात देखी मैंने, यहाँ की पेंटिंग, जो पेंटिंग में जो बात होती है ना, जैसे इनके ऊपर अभी अंदर ऐसे जाने देते तो इनके वॉल पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग की गई थी। ये देखिए क्लोज कर रखा है, ऊपर जाने का रास्ता भी क्लोज कर रखा है। चलिए अब चलते तीसरे मकबरे के साइड। ये देखिए खुसरू का मकबरा है, ये जहांगीर और साहब बेगम का बड़ा बेटे का, और इसका मकबरा इस तरह बनाया गया है। सभी में एक ही चीज़ कर रखा है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने देखा साइड से, तो उसके ऊपर स्टेयर्स भी बना रखे हैं ऊपर जाने के लिए। अभी सारे गेट सब क्लोज कर रखा है। चलिए मैं एक बार रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये इसका बैक साइड का एरिया पूरा। चलिए थोड़ा पास से दिखाने के मैं ट्राई करता हूँ। देखिए इसी पेंटिंग की बात कर रहा था मैं। इस पेंटिंग में जो इनके पेटल्स, फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, वो सिंगल सिंगल अलग अलग पीसेस में होते हैं, फिर उसको चिपकाया जाता है। ये देखिए सभी पे ऐसी कलाकारी कही गई थी, लेकिन अभी तो हट गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए चौथा मकबरा है बीबी तमोलन का मकबरा। इनके बारे में थोड़ा कुछ बताया नहीं है, चलिए इनके मकबरे के पास ले जाता हूँ। अभी मैंने बाबा से बोला एक कमरूज खिला दो, तो कह रहा 10 रुपये का है, यहाँ फ्री में तोड़ रहा है ये। अरे बाबा जाते जाते भी पैसा कमाना चाह रहे। ये देखिए लास्ट मकबरा जो है बीबी तमोलन का। ये देखिए इनके साइड से गेट खुला हुआ था, देखता हूँ एक बार अंदर जाकर टाइट देखने के लिए अंदर है क्या। एक गेट तो यहाँ खुला हुआ है, बट यहाँ से पूरी तरह से अंदर ले जा सकते। आगे चलते हैं। ये भी तारीख अंदर की साइड, ये भी गेट नहीं जाता।
ये देखिए इसी तरह इनका ये वाला चौथा मकबरा भी तो उन्होंने कही है। अब चलते हैं पार्क में फ्लावर और देखने के लिए। खुसरोबाग में यहाँ पर चार लोगों के मकबरे और आसपास पेड़ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ देखने लायक इतना ही है। चलिए चलते हैं कहीं और अपने नए प्लेस पे। अभी मैंने सोचा था कि इंडियन म्यूजियम जाऊँगा, लेकिन इंडियन म्यूजियम जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ से फ़ोटोग्राफी करने देंगे और उसके भी चार्ज देते 500। तो मैंने डिसाइड किया चलो चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यहाँ से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं। चलो मुझे संगम के लिए निकल रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने ये रिक्शा लिया है, ये मेरे लिए है 30 रुपये, तो बुरे नहीं है, सही है। चलिए संगम घाट की तरफ तो आ गया मैं, और यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले अंकल है उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया कैसे कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ धोखेबाजी बहुत होती है। अब मुझे स्टेशन के पास ही मिल गए थे, मुझसे सिर्फ 30 रुपये लिए और यहाँ पहुँचा दिया। चलिए आगे चलते हैं। पहले ट्रैवलिंग करने में कुछ चीज़ सीखने को भी मिलती है, बोलते थे जैसे बुरा क्या है भला क्या है, ये आपको पता चल जाता है। और अभी संगम यहाँ से थोड़ा दूर है, ये यहाँ पर देख रहे हैं यहीं पर ये लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ सामान वान बेचते हैं तो यही रहते हैं, मतलब यहीं के रहने वाले भी थोड़े यहीं के हैं ये। और ये देखिए बच्चे और पैसों का गेम खेल रहे हैं, फिर कहते हैं एजुकेशन होती नहीं है। अभी ये सामने देख रहे हैं उससे थोड़ा बस थोड़ा आगे है अभी, और तब होगा फिर तब मैं तब पहुँच जाएंगे हम त्रिवेणी संगम की तरफ। ये देखिए संगम में लोगों का भीड़, यहाँ पर बहुत सारे बहुत अलग अलग शेड से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संगम देखने के लिए। और संगम इसलिए है क्योंकि इस साइड से इस साइड देखें, इस वाले एरिया में गंगा जी आती है और इस साइड वाले एरिया से यमुना, और सरस्वती जो होती है जो सरस्वती नदी है वो दिखती नहीं है लेकिन एक गुप्त द्वार की तरफ से आती है। जैसे आपने किसी औरत की चोटी देखी होगी, दो दिखती है लेकिन एक नहीं दिखती है, वही इनका हिसाब है। और आपको बोट से उधर मतलब जाना हो स्नान करने के लिए उस साइड देख रहे हैं उस एरिया में जाना पड़ेगा, और चार्जेस के पर्सनल अलग है, 40 रुपये से 60 रुपये से ही है, जैसे 10 बंदे उनके लिए और सेपरेट के लिए अलग से है। चलिए चलते हैं। मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी वोट करता हूँ, लेकिन अकेले वोट मतलब इतनी दूर जाना मुझे सही नहीं लगा, वरना मैं यहाँ नहा सकता हूँ। तो ऐसी नज़ारों का मज़ा लेते हुए बस ठीक है। आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा यहाँ पर जैसे लोग आते हैं फूल वूल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, क्या लगता है ये सही तरीका है या सही काम ही है? आप 30 रुपीज़ सिंगल इस काम के लिए दे रहे हैं जो घूम के मतलब पानी का नुकसान ही हो जाता है। ये देखिए सामने आप इसमें डालेंगे पानी रुक जाएगा, फिर इधर से रोटेट होके आपको वो सभी चीज़ें इस कूड़े में मिलेगी। उन सब का एक ही एंड होता है, सिर्फ हमने 30 रुपये दिए फूल लिए हमने पानी में डाला, वो पानी के साइड में आ गया उसे हम कूड़े में डाल दिया तो गया, फिर उसका मतलब क्या हुआ उस चीज़ का मुझे तो सही बताओ तो सही है, सब सही नहीं लगता है। किसी चीज़ के लिए श्रद्धा होती है तो मन से करनी चाहिए, ये नहीं फूल चढ़ाने से ये सब हो, मन से आओ यहाँ मन से घूम लो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और लोगों का अपना अपना तरीका होता है किस तरह से लोग करते हैं, मेरा मानना ये है और आपका कुछ और होगा। चलिए संगम तो घूम लिए, अब चलते हैं अकबर फोर्ट की तरफ, वो थोड़ा आगे ही है यहाँ से कम 400-500 मीटर दूर है, चलिए वहाँ चलते हैं। अब नहीं मेरी श्रद्धा है कि मैं मुझे फूल चढ़ाना नहीं चढ़ाना है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको चढ़ाना नहीं चढ़ाना। मैं ये नहीं बताना चाहता कि हाँ फूल मत चढ़ाओ, बट जो बता रहा हूँ जो बताओ जो फूल का एंड में होता क्या उसका बताया मैंने बस।
अब हम पहुंच गए हैं अकबर फोर्ट और इसके यहाँ से एंट्री है। चलिए मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। अब ये एक एरिया और है जहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटो दोनों खींचना मना है। अरे समझ में नहीं आता, पता नहीं करते क्या है अंदर। चलिए ऐसे ही घूम के आता हूँ मैं। वैसे आप आगरा फोर्ट, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और एक अक्षयवट ब्रिज है जो इसके पत्ते का भी झड़ते नहीं है और टूटते नहीं है। आप घूम सकते हैं लेकिन मैं नहीं घूम सकता क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो वो वीडियोग्राफी मना करेंगे, तो मेरा जाना भी अंदर जाना बेकार है। चलिए मैं चलता हूँ आनंद भवन की तरफ। ये देखिए यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। यहाँ जो आसपास वाले लोग हैं यहीं पर रह लेते हैं, से सामान बेचने वाले हो गए तो ऐसे ही तंबू सा बना लेते हैं। वो यहीं आसपास इस साइड देखेंगे, इस साइड भी ऐसे रह लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ की मार्केट है और इस साइड देख रहे हैं हनुमान जी के प्रसाद के लिए प्रसाद मिलते हैं। ये देखिए रामायण, विश्राम सागर, ये दोनों साइड मार्केट ही लगी हुई है पूरी। प्रसाद लेके जाना हो घर तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। चलिए चलते हम भी। अभी मुझे आनंद भवन जाना था बट आनंद भवन की तो ईर्षा मिलेगी नहीं, यहाँ से पास में चुंगी है, रामबन चुंगी, तो वहाँ तक चलता हूँ फिर वहाँ से आनंद भवन के लिए ई रिक्शा पकड़ता हूँ।